हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। तो इस बढ़िया सी चटपटी और मजेदार रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मेजरिंग कप से एक कप गेहूं का आटा लिया है। गेहूं के आटे की जगह पे आप मैदे का भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, 2 चम्मच सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं बढ़िया सी मुट्ठी बन रही है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका डो लगाकर तैयार कर। डो को हमें थोड़ा टाइट ही रखना है, सॉफ्ट डो नहीं रखना है। तो मैंने इस तरह से डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम कवर करके रख देते हैं। अब मैंने ये 3 बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। आलूओं को मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया था और इनका छिलका उतार लिया है। आप देख सकते हैं मीडियम साइज के आलू लिए हैं मैंने। अब इन्हें हम अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। एक बार आप इस नाश्ते को जरूर बनाकर देखें। तो इस तरह से मैंने तीनों आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला डालने से ये नाश्ता और भी चटपटा बनेगा। 1/2 चम्मच ओरिगेनो डाल देंगे। अगर आपके पास ओरिगेनो नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 1 छोटी साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर को मैंने कट करके इनके बीज निकाल लिए। 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, 1 बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डाल देते हैं। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने सारी चीजें अच्छे से मिक्स कर ली है। अगर आप इसे और भी चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर का यूज कर सकते हैं या फिर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अब मैंने एक बाउल लिया है। बाउल में हम 1 चम्मच मैदा डालेंगे। मैदे की जगह पे आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका घोल तैयार करेंगे। तो इस तरह से मैंने मैदे का घोल तैयार कर लिया है। अब इसे हम साइड में रखेंगे। अब डो भी अच्छे से सेट हो गया है। डो को हम 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे और इसकी लोई बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने लोई बना ली है। अब इसे हमें बेलना है और इस डो को हम साइड में रख देंगे। लोई को बेलने के लिए मैंने तेल लगाया है। आप चाहें तो सूखा आटा भी लगा सकते हैं। अब इसे हम बेलेंगे। कोशिश करें इसे पतला ही बेलें। तो मैंने इसे लंबे से शेप में बेला है, इसे सर्कल शेप नहीं दिया है। अब हमने जो आलू की स्टफिंग रेडी की है उसे हम इस रोटी पर फिल करेंगे। और इस फिलिंग को हम रोटी पर सभी तरफ फैला लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से फिलिंग को रोटी पर फैलाया है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे। इसे हमें चपटा चपटा फोल्ड करना है, रोल नहीं करना है।
इस किनारी पर पानी लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसे रेडी किया है। और अब हम एज साइड की किनारियों को कट कर लेंगे क्योंकि इसमें फिलिंग नहीं है, तो इसे मैंने कट कर लिया है। इसे हम डो में मिला लेते हैं। अब इसे हम बीच सेंटर से कट करेंगे। तो इस तरह से हमें इस नाश्ते को रेडी कर लेना है। अब पीसेस को उठाकर हम एक प्लेट में रख लेते हैं और बाकी बचे हुए डो से नाश्ता रेडी कर लेते हैं। तो मैंने नाश्ते के सारे पीसेस रेडी कर लिए हैं। अब हम चलते हैं गैस की ओर। पैन में मैंने तेल डालकर गर्म होने के लिए रखा है। तो तेल भी गर्म हो गया है। अब हमने जो मैदे का घोल बनाया है, नाश्ते को हमें इस मैदे के घोल में इस तरह से डिप करना है किनारियों को। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी डिप कर देंगे। और इस नाश्ते के पीस को हम तेल में डाल देंगे। तो पैन में जितने पीस आए हैं मैंने उतने डाल दिए हैं। अब इसे हमें स्लो फ्लेम पर सेल फ्राई करना है। गैस की फ्लेम को स्लो ही रखें। हमने इसमें परतें बनाई हैं। अगर हम गैस की फ्लेम को हाई करते हैं तो वो परतें अंदर से पक नहीं पाएगी। तो इसे हमें स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट तक इसे हम एक साइड से सेलो फ्राई होने देंगे। उसके बाद इसे हम टर्न करेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम टर्न कर लेते हैं। इस नाश्ते को हमें पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक सेलो फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने नाश्ते के पीसेस को गोल्डन ब्राउन होने तक सेलो फ्राई कर लिया है। कितना प्यारा कलर आया है। दोनों साइड से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दूसरी साइड से भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो गर्मा गर्म इस नाश्ते को मैंने रेडी कर लिया है। इसे आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। एक बार इसे बनाकर जरूर देखें। बहुत ही क्रिस्पी बना है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। तो एक बार इसे जरूर बनाकर देखें। फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक नई मजेदार टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।